नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कपिल सिब्बल द्वारा कांग्रेस पार्टी की खुलेआम आलोचना के बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सिब्बल को लेकर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि कपिल सिब्बल जी को हमारे अंदरूनी मसलों की मीडिया में चर्चा करने की जरूरत नहीं थी, इससे देश भर में हमारे कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय संसद का शीत सत्र इस बार रद्द हो सकता है। अखबार ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इस बार कोविड महामारी की वजह से संसद का शीत सत्र रद्द हो सकता है। आमतौर पर शीत सत्र नवंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू होता है। राजनीतिक मामलों पर संसदीय समिति सत्र की तारीखें तय करने के लिए बैठक करती है और सांसदों को कम से कम 2 सप्ताह पहले जानकारी देती है। अब तक CCPA की बैठक भी नहीं हुई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन में आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमने सामने होंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेता ब्रिक्स सहयोग बढ़ाने और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इनमें कोरोना महामारी को रोकने के प्रयास भी शामिल हैं। बीते एक महीने में यह दूसरी बार है जब मोदी और जिनपिंग वीडियो कॉल पर आमने सामने होंगे। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक VVIP हेलीकॉप्टर घोटाले के अभियुक्त राजीव सक्सेना ने पूछताछ के दौरान दिए गए अपने बयान में कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के अलावा उनके बेटे बकुलनाथ, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और अहमद पटेल का भी नाम लिया है। फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर राजीव सक्सेना को अगस्त 2019 में दुबई से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की नौसेनाएं मंगलवार को अरब सागर में मालाबार तट के पास युद्धाभ्यास करेंगी। यह अभ्यास ऐसे समय हो रहा है जब भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव है और बाकी देशों की गतिविधि पर चीन नजर रखता है। देश की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL की बिक्री के लिए लगी प्रारंभिक बोली में शामिल नहीं हुई। इस कदम से रिलायंस ने सबको चौंका दिया क्योंकि उसे इसकी खरीद के लिए तगड़ा दावेदार माना जा रहा था। बता दें, सरकार भारत में दूसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनी BPCL में अपनी पूरी 52.98% हिस्सेदारी बेच रही है। यूपी के फतेहपुर जिले में दो दलित सगी बहनों का शव देर रात गांव के बाहर तालाब में पड़ा हुआ मिला। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके वारदात पर पहुंची। परिवार वालों के मुताबिक दोनों बहनों के हाथ धान के पुआल से बंधे थे। सिर और कान पर किसी धारदार हथियार से चोट के निशान थे। इतना ही नहीं, दोनों नाबालिग बच्चियों की एक एक आंख भी फूटी थी। ऐसे में परिवार वालों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जाहिर की है। प्रयागराज से BJP सांसद रीता बहुगुणा जोशी की 6 साल की पोती किया की पटाखे से झुलस कर मौत हो गई है। किया दिवाली की रात पटाखे से झुलस गई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI ने गिलगित बल्तिस्तान में विधानसभा चुनाव में 23 में से 8 सीटों पर जीत हासिल कर ली है और 1 सीट पर आगे चल रही है। वहीं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी PPP को 3, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को 2 सीटों पर जीत मिली है। इसके अलावा 6-7 निर्दलीय उम्मीदवार भी बढ़त बनाए हुए हैं। 24 सीटों वाली विधानसभा में 1 सीट पर प्रत्याशी की मृत्यु के बाद चुनाव स्थगित कर दिया गया। बता दें, गिलगित बल्टिस्तान में चुनाव कराने के पाकिस्तान के फैसले पर भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा था कि इस इलाके की स्थिति में किसी भी तरह के बदलाव की कार्रवाई अवैध है। पाकिस्तान के 2 मुख्य विपक्षी दलों के नेताओं ने इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI पर गिलगित बाल्टिस्तान चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। PPP नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान की पार्टी ने चुनाव में धांधली की है, उसने लोगों के मैंडेट को चोरी किया है और हमारे जीते हुए उम्मीदवारों को हरा दिया, वो इसके लिए हर कानूनी कदम उठाएंगे। वहीं मरियम नवाज ने भी इमरान की पार्टी पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर उनकी नई सरकार को रोकना जारी रखा तो और लोगों की मौत हो सकती है। जो बाइडेन ने डेलावेयर में कहा कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए सामंजस्य जरूरी है। उन्होंने एक बार फिर ट्रंप के हार स्वीकार नहीं करने को शर्मनाक बताया। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 29,163 नए केस सामने आए हैं, जो कि 14 जुलाई के बाद एक दिन में सबसे कम मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 88,74,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,30,000 से ज़्यादा है। फिलहाल एक्टिव मामले 4,53,000 से अधिक हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।